Addicts, welcome to Shark Tank. It's your North Indian Anupam Minocha. देखिए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, पर आज हम बहुत ही cringe Shark Tank pitches देखेंगे। आजकल सब इतना Shark Tank के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात मैं digest नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं यार बात तो करने दो यार, ये बात ही नहीं करने देते। मैं आपको एक generous offer देने वाला था, पर ये मेरा channel नहीं है, इसलिए मैं out हूँ। It's your North Indian Adnucha. आज हम Shark Tank देख रहे हैं because I am somewhat of a shark myself. Actually, मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा business है. If you guys don't know, my business is actually none of your business. सलमान खान का डायलॉग था क्या? My business is actually not minding my own business, so that's why we're reacting to Shark Tank today. I hope we don't get copy striked. It's a good show. I've seen the entire thing on Sony Live, but कुछ YouTube snippets हैं जो हम आज देखेंगे. नमस्ते शाक, मेरा नाम बलदेव जुमनानी है, मेरी उम्र 40 साल है। नमस्ते शाक्स, मैं जयश्री जुमनानी और मेरी उम्र 38 Looks like a normal pitch, right? Couple आए अपने business के बारे में बात करने के लिए, very normal thing, सारे sharks बैठे हैं। For those rare people जिन्होंने ये show अभी तक नहीं देखा है, basically यहाँ पे business owners अपना idea लेके आते हैं और ये पांच sharks जो actually investors है वो अपना पैसा लगाते हैं एंड फिर उनमें negotiation होता है कि हम कितना percentage देंगे अपनी company का, हम इतना लगाएंगे पैसा, back and forth adult stuff, okay? But this one, it's called गोल गहरी नाभि शेपर पे sharks ना control कर पाए अपना reaction, great titles, that's मैं भी सोच रहा हूँ इसका हिंदी इंग्लिश मिक्स टाइटल रखूँ, क्या पता बहुत सारे व्यूज आ जाए। सर, मैं आप सब लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आप लोग सब मुझे अपनी फैंटेसीज के बारे में बता सकते? थोड़ा क्रीपी नहीं है ये? मुझे एक्चुअली में अभी तक समझ में नहीं आता कि लोग फैंटेसीज के बारे में बात करने में इतना शर्माते क्यों हैं। अगर कोई बड़े अंकल ऐसी शक्ल लेके मुझे इस फैंटेसीज के बारे में पूछे, मुझे डर लगेगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं भागना चाहूंगा उस सिचुएशन से। इमेजिन तुम्हारे घर पे रिश्तेदार आ रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप किचन में गए हैं खाना लेके आने, तुम अकेले बैठे हो उनके साथ और वो तुम्हें पूछते हैं, बेटा क्या आप मुझे अपनी फैंटेसी बता सकते हो? नहीं अंकल, फैंटेसीज के बारे में बात करने में इतना शर्माते क्यों है? मैंने आज तक अपनी फैंटेसी के बारे में ओपनली सबसे बात की है। ओके, मेरी फैंटेसी कैसी चीज है जो गोल और गहरी है? गोल और गहरी, हर मूवी के शॉट में उसको जूम करके जरूर बताया जाता है। क्या ये एक्चुअली इंडियन मूवीज में जूम क्यों करते हैं भाई नाभि पे? मेरी फैंटेसी एक गोल और गहरी सुंदर नाभि। अश्नीर इज द काइंड ऑफ गाय जो तुमको गाली देके तुम पे चिल्ला देगा, तुम्हें बोलेगा भग जाओ यहाँ से। अश्नीर मन में सोच रहा है, आई एम अ सीरियस मैन, आई एम अ बिग बिजनेस ओनर, बट ये क्या बोल रहा है? उसके मन में ऐसे हाई पिच आवाज चल रही होगी कि ये क्या हो रहा है। इंडिया में फर्स्ट टाइम, आप बोल सकते हैं वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम द बेली बटन शेपर, ये जो प्रोडक्ट है तो बिना कोई सर्जरी के, बिना कोई मेडिसिन से आपकी नाभि को गोल और गहरा बना। क्यों? My question is क्यों? मैंने इसके 30 एपिसोड देखे हैं, मैंने अश्नीर को कभी हंसते हुए नहीं देखा है। जैसे फिंगर टिप्स रहते हैं सबके अलग अलग रहते हैं, वैसे सबकी नाभि भी अलग अलग रहती है। ये प्रोडक्ट के लिए मार्केट इज वेरी ह्यूज, फिल्म इंडस्ट्री में इज अ ह्यूज डिमांड। ऑफ फिल्म इंडस्ट्री में नाभि शेपर कौन खरीद रहा है? एक्सक्यूज मी गाइस, अगर ऐसे यूट्यूबर्स को अगर कोई नाभि शेपर की जरूरत है, सो आई वुड लाइक टू बाय दिस इन होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूट फॉर फ्री। जो लड़के हैं जो सिक्स पैक ऐप बनाते हैं वो किसी शो में उनको टॉपलेस रहना है वो कर नहीं सकते, अगर बेली उनकी आउटी है। तुम्हारी बेली आउटी है? मेरी बेली तो आउटी है भाई, क्या मैं दिखा नहीं रहा? इट्स आउटी, लेट मी गेट द गहरा शेपर, गहराई बढ़ाने के बाद मैं आपको अपना बेली दिखाऊंगा। यही सपने को पूरा करने के लिए, सबकी नाभि गोल और गहरी करने के लिए, कौन सा सपना? 20% इक्विटी पे 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट की सर आपसे सपोर्ट चाहूंगा। I don't remember ये लोग क्या बोलते हैं, I just wanna see अश्नीर क्या बोलता है। Welcome to Shark Tank। और आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हम लोग 20 साल, इसकी बेली मुझे बहुत पसंद है, हमारी 17 साल की एक गुड़िया है। 17? Bro, ये लोग जितने creepy questions पूछ रहे हैं, honestly I feel like उनके घर पे एक actual 17 साल की गुड़िया होगी, like Annabelle, जिसको डिनर टेबल पे बिठा के खाना भी खिलाते हैं और फिर बेड पे लेटा के से सुलाती भी है, उसको लोरी भी सुनाते हैं, बट वो एक्चुअली एक गुड़िया है। Imagine, I was started my career in a pharmaceutical company. Oh, really? क्या करते थे? उंगली करता था लोगों की नाभि में। तो ये नाभि के साथ आपका ऑब्सेशन कब से शुरू हुआ? मेरी वाइफ को मूवी, साउथ की मूवी बहुत ज्यादा पसंद आती है और वाइफ है तो उनके साथ देखना पड़ता है और वो सर हर आप देखेंगे कभी उसमें फ्लावर दिखाते हैं, कभी आइस दिखाते हैं, तो धीरे धीरे करके फैंटेसी। और क्या, कभी फ्लावर्स दिखाते, कभी आइस दिखाते और धीरे धीरे करके फैंटेसी? कौन सी साउथ इंडियन मूवीज है? साउथ इंडियन एक्ट
एक्टर भाई, किसी की नाभि तो नहीं दिख रही मुझे, एक्ट्रेस डाल के देखते हैं। ओके अंडरस्टूड। ओके मैं दिखा नहीं रहा, समझ गया मैं क्या बोल रहा है वो। रियल इंसिडेंट बता रहा हूं, एक बार मैं एक होटल में गया, अब मैं एक लड़के को कंटिन्यू देख रहा हूं, सिक्स पैक ऐप थे मेरे जैसा हैंडसम लड़का था। लड़के को हाउ डिड नोबडी से एनीथिंग टू, सिक्स पैक ऐप थे मेरे जैसा था। उनकी नाभि ऐसे बाहर निकली हुई थी, वाइब मेरे पास है, जो आप अभी तक जो आपने सोचा इंडिया में वो कॉमन नहीं है। बाद में मुझे रियलाइज आया कि इनका कहना था कि लड़का लड़कियों को देखना इंडिया में उस समय कोई नहीं था। Well, thanks to his wife, he was not looking at the other guy, but he was looking at his nabi. And आज हमें ये पिच देखने मिल रहा है। Wow, इसकी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। इसके साथ हम एक पहले देते हैं सैनिटाइजर। इसका यूज है कि बेली, जैसे मैंने बोला नाभि का ध्यान नहीं देते तो बहुत सारे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए। मैं वो अपनी नाभि में सैनिटाइजर डालने का मन तो कर रहा है। जस्ट द थॉट ऑफ बैक्टीरिया इन माई नाभि इज sort of disturbing, but maybe मुझे अब से रोज sanitizer डालना पड़ेगा अपनी नाभि में। Product देखते हैं जो नाभि को गहरा बनाता है। Oh, it's like a button. आपका खुद का गोल अकम्प्लिश हो गया जो आपको चाहिए था अपने नेवल से। आपका गोल अचीव हो गया। आज तक मेरे साथ 600-700 लोगों ने और अचीव कर लिया है। अरे वाह। 600 people decided to gyrify their nabi. That's great. Wow. What a good product. Good product से you know मुझे क्या याद आ रहा है। I'm sure you guys know it. Mamaearth. Everyone wants healthy glowing skin. इसलिए Mamaearth ने मुझे भेजे हैं उनके face creams. The Bye Bye Open Pores Face Cream, which helps you minimize the appearance of enlarged pores. इसमें niacinamide और rosehip जैसे ingredients हैं, जिससे आपके pores unclog हो जाते हैं और blackheads prevent हो जाते हैं. Rosehip is rich in antioxidants and vitamin A, which makes the skin tighter and reduces fine lines. And niacinamide से enlarged pores minimize हो जाते हैं. They also have the Bye Bye Blemishes Face Cream with mulberry extract and vitamin C. Just take a pea-sized amount on your fingertip, apply dots over your face and neck, and just massage all over. You can use this twice a day for a clear and healthy skin. Mamaearth products are chemical-free, made of natural ingredients, and dermatologically tested too. Their Plant Goodness Initiative ensures that every time you buy from them, your order will be linked to a tree that they plant. You can get these products and more from the Mamaearth app. You can use my code Adit2022 for 20% off on Mamaearth. All products are available on Amazon, Nykaa, Flipkart and Mamaearth's official app and website. अब इस प्रोडक्ट पे आते हैं। अगर मैंने आप इसका लाइव डेमो चाहते हैं, सुंदरी के ऊपर मैं डेमो करके पहले बता दो। अगर आप आई होप वो अपनी वाइफ को सुंदरी नहीं बोल रहा है और उस पर डेमो नहीं कर रहा है। प्लीज प्लीज आई जस्ट प्लीज जरूर नेकी और पूछ पूछ दैट इज मी अमन, दिस इज मी राइट नाउ। प्लीज सुंदरी नहीं, उसकी वाइफ नहीं, प्लीज। आपको जस्ट एक ड्रॉप कैस्टर ऑयल लेना है जो आपको नाभि पे लगा लेना है। आई डोंट थिंक आई वांट एनीबॉडी टू टच माय नाभि अपार्ट फ्रॉम अ डॉक्टर। इसके लिए कितना ऑकवर्ड होगा यहाँ पे प्रेजेंटेशन करने के लिए। यही मेरा काम है एक्चुअली। आई जस्ट गो टू प्लेसेस एंड माय नाभि इज बेसिकली डिस्प्ले यूनिट। नाभि में इंसर्ट कर देना है। कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे आपको वॉक करना है, एज इट इज रहेगा। टेप लगा दिया उस पे, 2 घंटे तक उसको लगा कर रहे। Excuse me, एक मिनट, उसका टेप गेम बहुत वीक है। What is this? What is this? Is this how you put a tape? Nah, I'm not gonna buy this product. मैं नहीं लेने वाला। मुझे किसी का टेप गेम अगर वीक लगता है, मैं प्रोडक्ट नहीं ले सकता मैं। इससे मेरा टेप गेम तो मेरी टीचर का है, जो मुझे चुप करा देती थी। कितने बेचे ये प्रोडक्ट्स आपने? मैंने 650 करीब तक अभी तक बेचे। 650 बेचे? 650 लोगों की नाभि पे टेप लगी है। It's weird to think about it. मुझे लगता है हमें अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे है। तो मुझे ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो आपको एक यस गाइस एक्सेप्ट योर बॉडी हाउ इट इज। डजंट शी हैव अ मेकअप कंपनी? आप एक कैटेगरी क्रिएट करना चाह रहे हैं, बहुत नया है, बहुत अर्ली है, अभी बहुत काम बाकी है इसमें। तो मुझे माफ करना, मैं आज आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा। अनुपम इज सो नाइस। मैं वहां पे होता तो आई वुड हैव प्रोबेबली मेड रियली बैड जोक्स एंड प्रोबेबली मैं भी हंस रहा होता। बट वो सीरियस इन्वेस्टर की तरह सोच रहा है कि ठीक है, दिस इज नॉट फॉर मी, इट्स टू अर्ली, न्यू कैटेगरी ऑफ बिजनेस, ब्ला 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 ब्ला। ही डिडंट मेक फन ऑफ द गाय एट ऑल, सो दैट इज वेरी रिस्पेक्टफुल। मुझे लगता है जितने भी आपके 650 लोग हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लिया है। एक्चुअली आई एम वेरी क्यूरियस राइट नाउ। मुझे लगा टेप लगा के देखना तो है, बस थोड़ा वो फैंटेसी सुन के मैं वियर्ड आउट हो गया हूं। सब जानते हैं जापानीज लोग हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं। ये क्या हेल्थ है? नाभि का शेप से कौन सा हेल्थ होता है बे? मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा प्रोडक्ट। ओ भाई थोड़ा सा
Here it comes. आ रही है उस प्रोडक्ट को लेके, बिकॉज दुनिया में इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करने को है, ये सुनाने वाला क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने को निकले। अश्नीर इतना हंसने के बाद अब उसको रियलाइज हो रहा है कि एक सेकंड, मेरा हजारों करोड़ का बिजनेस है, मैं वो छोड़ के यहाँ पे ये सुन रहा हूँ। पूरी दुनिया में इतनी बीमारियां चल रही है, आप फार्मा सेक्टर से हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। अभी आपका टाइम हो गया बोलने का, अब मैं सुनाऊंगा तुमको। मैं आपको अपने डिसीजन बता रहा हूँ, बिल्कुल ही ना है, कर क्या रहे हो, बिल्कुल ही टाइम बर्बाद किया आपने, अपना भी हमारा भी। आप थोड़ा सीरियस हो जाइए लाइफ में, मत बेचिए आज के बाद। आपने इस प्रोडक्ट पे आधा टाइम, आधा सेकंड भी और बर्बाद किया ना, आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। Everybody used to hate Ashneer in the start. पहले के कुछ episodes में सबको लगता था कि यार rude आदमी है वो, but सब episodes के बाद अब वो honestly मेरा one of the favorites है, because of the straightforwardness that he presents. Oh God. अब मुझे अपनी नाभि का शेप थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं अभी जाऊंगा इस वीडियो के बाद मिरर में जाके अपनी नाभि का शेप चेक करूंगा। आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है। वो रोने पे आ गया है। आई फील बैड नाउ। शुड आई बाय अ नाभि शेपर, बेली बटन शेपर? ओह फुकाई, यस फुकाई फॉर डीप बेली। कितने का है ये? 600 रुपए। साउंड्स लाइक अ फेयर कॉस्ट। बेली बटन शेपर रीशेप नेवल अराउंड एंड डीप। दो स्टार। शार्क टैंक बॉट मी हियर, नॉट इफेक्टिव, मेक्स नो डिफरेंस, वेरी गुड प्रोडक्ट, वर्क वेल ऑन बेली। उसने खुद प्रॉबेबली अपने दोस्त से लिखवाया है। वो इसमें साइज भी सिलेक्ट होता है, स्मॉल मीडियम लार्ज। लार्ज लेगा तेरा भाई, गहरा डीप होल चाहिए एकदम। बाय नाउ। ओके अब मेरा एड्रेस दिख रहा है, इसको हटाओ। मुझे किसी से बात नहीं करी, एक्सक्यूज मी। अब मेरी नाभि बेस्ट होने वाली इस वर्ल्ड में, ठीक है? तुम सब जाओ प्लीज। ओके, आई डोंट नीड यू गाइस, आई मीन आई डू, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फक, आई थिंक आई मेस्ड दिस अप। बाकी मैं अश्नीर भाई और अनुपम भाई को वापस बुलाना चाहूंगा, आगे की बात वो करेंगे। आपने अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ये बात मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और इसी बात पे मैं आउट हूँ, पर मेरी नाराजगी रहेगी। अभी सब्सक्राइब का ऑप्शन भी है, फ्री भी है, फिर भी नहीं किया, ये तो धोखलापन है। कोई आदमी टाइम निकाल के वीडियो बना रहे, उसकी वैल्यू तो करो।